चलो सो नाउ वी विल सॉल्व, जहां से हमारे न्यूमेरिकल बाकी थे वो देखते हैं. आई थिंक 5 किए ना हमने. यही है. अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन गिवन ही है ऑलरेडी. देखो ये मोलार कंडक्टिविटी है, ये रही मोलार कंडक्टिविटी, और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है. डन. ओके तो क्या करना है, शो दैट अ प्लॉट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एंड दी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट, ओके सी रेस टू 1/2 इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें शो करना है. मतलब ये तो ग्राफिकल क्वेश्चन है. अच्छा डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ, देखो डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड मोलार कंडक्टिविटी. ओके मतलब क्या, मोलार कंडक्टिविटी कब फाइंड करनी है, जब 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन हो तब टेम्परेचर एंड प्रेशर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए. एंड ए, ओके एंड ए फॉर KCl, ये ए क्या है, तो हमने वो फॉर्मूला निकाला था याद है ना. ओके y is equals to mx plus c, y is equals to mx plus c, तो हमने ऑलरेडी ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया था रूट c वर्सेस द मोलार कंडक्टिविटी का. डन याद आया, रूट c मोलार कंडक्टिविटी का नहीं, मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस रूट c का, ये ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया था. और हमने बोला कि y is equals to mx plus c जैसा, लेकिन हमारे ग्राफ तो ऐसे और हमारे ग्राफ तो ऐसे आ रहे थे याद है ना. ओके तो ऐसे आ रहे थे मतलब क्या, हमारा m क्या है, नेगेटिव है, हमारा m क्या है, नेगेटिव है. तो m को हमने a नाम दिया था, y की जगह क्या है, तो y की जगह हमारा है से मोलार कंडक्टिविटी, y की जगह है मोलार कंडक्टिविटी. देन m की जगह है माइनस a, x की जगह है हमारा रूट c, और ये जो कांस्टेंट है वो यहाँ एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा हमारा स्टैंडर्ड मोलार कंडक्टिविटी. डन. तो ये हमने निकाला था याद आया ना. या वापस जाए थी आगे ना यार. हाँ तो बस अब कुछ नहीं करना है, ड्रॉ करो. मतलब अगर ग्राफ पेपर गिवन है, ऐसा न्यूमेरिकल है और ग्राफ पेपर गिवन है, तो ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर नहीं है और फिर भी ऐसा पूछा है, सो अगेन सिंपली हम ड्रॉ कर सकते हैं. इक्वल इक्वल इंटरवल्स ले लो ऐसे, ओके एंड रफली प्लॉट करना कि ट्राई करो. और तुम्हें आंसर तो पहले से पता है, स्ट्रेट लाइन ही दिखानी है आंसर. तुम कुछ भी करके ऐसे वैसे मत कर देना, तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखानी है. ओके सो स्ट्रेट लाइन दिखा दो पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेशन लेके. अब देखो कॉन्सेंट्रेशन में कितना और मोलर कंडक्टिविटी में भी कितना कम डिफरेंस है, 147 148 खत्म. तो तुम ऐसे नहीं मत लेना 140 142 144 146 148, ए बे दो में ही खत्म हो गया. ओके तो दो में खत्म हो रहा है तो तुम कैसे लोगे, सपोज 12 पार्ट्स करो तो वन कितना है, वन मिनिमम कितना है 147.09. तो हम ऐसा भी ले सकते हैं 147.00, मतलब पहला तो 00, फिर दूसरा 147.22, फिर 147.4, फिर 147.6, फिर 147.8, फिर 148, फिर 148.2, 148.4, 148.6, 148.8 एंड देन 149, लाइक दैट. इससे भी कम करना हो तो भी कर सकते हैं, ये तो हमने बीच में 2-2 इंटरवल्स रखे हैं. ओके तो तुम्हें 1-1 इंटरवल रखना हो लेकिन फिर ग्राफ बढ़ जाए. ओके बट शो कर सकते हैं. तो वैसे करके अगर तुम ड्रॉ करोगे सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन यू विल गेट, वही करना था. और फिर पता करो कि ए कैसे मिलेगा, तो ए कैसे मिलेगा, स्लोप कैसे मिलता है भाई, ये लाइन है स्लोप कैसे निकालते थे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स याद है ना. ओके ये क्या है, यहां से तुम जाओगे तो एक y की वैल्यू मिलेगी से y2, ये y1, और यहां से नीचे जाओगे तो x की वैल्यू मिलेगी ये x2 और ये x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज द स्लोप. तो यहां पर भी वही है. ओके कि ये हमारी लाइन है, तो लाइन है तो तुम यहां पर एक ऐसे ट्राइंगल बना दो, दैट्स इट. ऐसे ऐसे मतलब अच्छे से बनाओ, ये हमारी लाइन है
तो तुम ऐसे ट्राइंगल बना लो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, बात खत्म। ओके, अब यहाँ से एक्सटेंड करो, यहाँ से एक्सटेंड करो, तो तुम्हें y की दो वैल्यू मिलेगी, एक y1 है और दूसरा y2 है। ये y1 होगा और ये होगा y2, यहाँ से स्टार्ट होगा ना हमारा ग्राफ, ऐसे जा रहा है। तो y1 y2, और ये क्या है हमारा x एक्सिस पे मिलेगा x1, और ये क्या मिलेगा x2। अगेन y2 minus y1 upon x2 minus x1, निकाल दो तो तुम्हारा स्लोप मिल गया। डन, ओके, तो स्लोप मिल गया तुम्हारा। अ प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी y एक्सिस पर एंड रूट c इज शोन। इट कैन बी सीन दैट इट इज नियरली स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द इंटरसेप्ट वी कैन फाइंड ओके दैट स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 150। तो ये पता कैसे चलेगा तुम्हें, जब फाइंड करोगे तो पता चलेगा, मतलब कि पहले तो तुम ए निकालोगे। यहां से हमने ए निकाला, स्लोप निकाला ना, नेगेटिव जो आया वो, तो यहां से हमने ए निकाला। अभी ए निकाला तो वो कैसे पता चलेगा? अरे कैसे पता चलेगा, क्या तुम्हारा ये फॉर्मूला है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, उसमें अब तुम कोई भी वैल्यू ले लो। मैंने ये फॉर्मूला ले लिया, अब ए की वैल्यू तो सबके लिए मिली है, पूरे ग्राफ के लिए हमें स्लोप मिला है। ओके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब सी की कोई फर्स्ट वैल्यू ले लो, तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके लिए लिखोगे तुम 148.61। फिर ए जो है वो जो हमें मिला वो लिखोगे, माइनस भी रखोगे, और सी की जगह लिखोगे 0.01.1407। ये सारी वैल्यू पुट कर दी तो ये मिल गया भाई, बाकी क्या रहा? समझ में आया कैसे ढूंढेंगे? पक्का? ओके, ये हमारा इक्वेशन है, उसमें ये चार वैल्यू है, चार में से तुम जो लेनी हो वो ले लो, फर्स्ट लो, लास्ट लो, बीच वाली कोई भी लो, वो वैल्यू यहां से मिलेगी। ए की वैल्यू हमने ढूंढ ली है ग्राफ पर से, ये वैल्यू भी। अब देखो, ये फर्स्ट ली और फिर ये लास्ट ली, ऐसा मत, ऐसा इसी गलती तो हम नहीं करेंगे। ओके, तो क्या है ये जो जो रीडिंग हो, फर्स्ट रीडिंग है, तो ये सी भी कौन सा फर्स्ट रीडिंग का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ए की वैल्यू पुट करो तो तुम्हें मिल गया स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, सिंपल। ओके, सो दैट्स इट, वही फाइंड करना था। समझ में आया? सिंपल न्यूमेरिकल था, तो ग्राफ बेस, ग्राफ गिवन हो तो अच्छे से ग्राफ में बनाओ, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और ग्राफ गिवन ना हो तो भी जैसे ग्राफ में बना देते वैसे यहाँ बनाना है। और तुम्हें ध्यान तो क्या रखना है, सिर्फ वो स्केलिंग के लिए, मतलब जो तुम रखोगे ओके वो ध्यान रखो, जितना हो सके उतना छोटा रखना, क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन का भी डिफरेंस देखो तुम, वाई एक्सिस को भी, ये तो हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे भी देखो कितना छोटा है, 0.0001 से लेकर 0.0009। तो वहां पर तो तुम क्या लिखोगे, 10, अगर 10 भी ले रहे हो, 10 parts भी कर रहे हो, तो एक पार्ट कितने का होगा 0.0001, फिर सेकंड वाला 0.0002, फिर 0.0003, ओके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल 10 हुए। और अगर उसके भी लंबा बनाना हो 20 पार्ट्स का, तो और फाइन आएगा। दैट इज अप टू यू, तुम्हें तो बना देना है पहले स्ट्रेट लाइन, तुम्हारा आंसर स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। डन, अंडरस्टूड? और ये ऐसे ही क्वेश्चन को ग्राफ बना देंगे, बना के पूछेंगे कि ये ग्राफ है, और तुम सोचोगे सर ग्राफ कैसे देंगे इतना बड़ा, अरे बड़ा नहीं, बड़ा बनाया होगा उसको स्केल डाउन कर देंगे और तुम्हें क्वेश्चन में ही ग्राफ दे देंगे, और सिर्फ बोल देंगे निकालो ए की वैल्यू, निकालो स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, सेम न्यूमेरिकल ग्राफ तुम्हें। अब तो ये तो और इजी हो गया, पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, अभी तो उन्होंने ग्राफ ड्रॉ करके दिया, लेकिन उन्होंने ग्राफ ड्रॉ करके दिया ना, वो लोग ये वैल्यू नहीं देंगे, अब एक मेहनत हमारी कम की ना, ये मेहनत बढ़ा देंगे, ये कोई वैल्यू देंगे ही नहीं, सिर्फ बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी फ्रॉम द गिवन बिलो ग्राफ। डन, अब कुछ नहीं देंगे, तो करेंगे क्या, ये ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है, सबसे पहले तुम अभी जैसे ए फाइंड किया वैसे ए फाइंड कर लो, स्लोप निकाल कर। ओके, अब तुम कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे कि कोई एक वैल्यू ले ली, एक कोई भी जगह जहां मन चाहे वहां पे ऐसे पेन रखो, वहां से नीचे जाओगे एक तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मिलेगी, वहां से साइड में जाओगे तो तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेगी। अब तुम्हारे पास स्लोप है, कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कंडक्टिविटी है, मिल गया, तीन चीज मिल गई, तो स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ये जो फर्स्ट डेटा और लास्ट डेटा अभी जो हम पुट कर रहे थे वो डेटा हमें नहीं देंगे, लेकिन वो डेटा भी तो ग्राफ पे से मिल सकता है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के बजाय हमें ड्रॉ किया हुआ देंगे, और फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं।
कैसे भी पूछे कंसेप्ट यही लगेगा। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर ना?